तो आइए आज बहुत ही सुंदर सा दरबार सजा है, तो आइए प्यारा सा फरमाइश आप लोग के बीच, एक गणेश के मम्मी बस पावर भांग खिया दाना। इतना जान लीजिए भैया जी कि जो भी बाबा भोलेनाथ का भक्त है, जो भांग पीते हैं, गाजा पीते हैं, इतना ध्यान रखिएगा कि आज ताली में कमी नहीं होना चाहिए। जो जो मेरे साथ है, नहीं तो बस जान लीजिए कि भोलेनाथ का नाम आप लोग पानी में नहीं डुबाइएगा। एक बार हाथ उठाइए, एक बार सभी कोई क्या बात है, प्रेम से बोलिए बाबा भोलेनाथ की। और हमारी माता बहने, आप लोग तब से कंजूसी किए जा रहे हैं, इस बार मैं तो नहीं मानूंगी। दोनों हाथों को उठा के एक बार हाथ उठा लीजिए, दोनों हाथों को एक बार जोरदार जयकार लगाना है। बोल सच्चे दरबार की। ये नहीं हुआ दुर्गा जी, देखिए आवाज नहीं आ रही इधर से, ठीक है ना भैया, हो इधर से एक बार जोरदार ताली है। क्या बात है, अच्छा एक बार दिखा दीजिए लोगों को, दोनों हाथों को उठा के उठा लीजिए चाची जी, एक बार उठा लीजिए, उठा लीजिए एक बार, प्रेम से बोलिए गौरी मैया की, सच्चे दरबार की जय। कि एक दिन की बात है, जरा सुनिएगा ध्यान से, क्या बात कि एक दिन की बात है, जरा सुनिएगा ध्यान से, कि जब हो गया घर में झगड़ा हमारे शंकर भगवान से। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और आइए इस भजन के माध्यम से देखना है कि कैसे नोकझोंक होते हैं हमारे पति पत्नी के बीच, जी जी जी, है ना, तो हमारी पार्वती मैया को भोलेनाथ कैसे मनाते हैं ये भी देखना है, कहना है। भैया आप लोग भी साथ दीजिएगा मीठी मीठी ताली के साथ, क्या बात है। नहीं खाए खोवा में बना ही मिसरी मलाई, अच्छा ये बात है। नहीं खाए खोवा में बना ही मिसरी मलाई, नहीं खाए खोवा में बना ही मिसरी मलाई, दिले भंगियो तो पीस के लिया दहना। नहीं पीसो, एक गणेश के मम्मी बोला, एक गणेश के मम्मी बस पावर भांग किया दहना। भजनों में मीठी मीठी तालियों का साथ जरूरी है, ये सच बात है भैया जी, बार उठा लीजिए ना कम से कम। नहीं, एक बात कहना है आप लोगों से कि रस्सियां जल गई फिर भी ऐठे हैं, स्पेशली हमारी माता बहनों के लिए, कि रस्सियां जल गई फिर भी ऐठे हैं, हम तब से भजन गाए जा रहे हैं, आप लोग हाथ पर हाथ धर कर बैठे ऐसे भैया जी हो, उठा लीजिए एक बार, क्या बात है। एक गणेश के मम्मी बोली, एक गणेश के मम्मी अब पावर भांग किया दाना। एक गणेश के मम्मी अब पावर भांग किया दाना। और हमारे भोलेनाथ से कहना है क्या, भोरा और भंगिया बढ़ेर पिसन पिसन ढोला पे, राउर भंगिया बढ़ेर पिसन पिसन ढोला पे, राउर भंगिया बढ़ेर पिसन पिसन ढोला पे, दुख होला बड़ी दुख असा गणेश के पापा हमसे भांग पीसा, गणेश के पापा हमसे भांग पिसाई ना, गणेश के मम्मी अब तो पापा भांग किया दाना। नहीं पीसो, क्या हो, क्या बात है, तालियों का साथ दीजिए इधर से भैया।
मलाई मिसरी भेले चितवा के भंगिया के स्वाद बिसरी। सुनिए ना गौरा जी, बोलिए ना, जो कमाएंगे सब आप ही को देंगे, हमको भांग खिला दीजिए। वो सब तो नहीं होगा, बताइए आप। अरे भांग खिला दीजिए ना, क्यों जिद कर रहे हैं बताइए। नहीं होगा, नहीं होगा। हे गणेश के मम्मी बोली, हे गणेश के मम्मी छोरा भांग तू गांजा पिया दाना। हे गणेश के मम्मी अब पावर भांग किया दाना। ए ए गणेश के पापा हमसे भांग पिसाई ना, मतलब नहीं खिलाइएगा, जिद खा लिए ना। तब किससे होगा बताइए। मुझे कुछ कहना है आप लोग के लिए। नहीं नहीं भैया जी, ऐसा नहीं है, अगर भोलेनाथ तो दूसरा शादी कर लेंगे तो अपना लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये लोग हो गए घर तोड़ने वाले, चाहते हैं कि घर टूटे, है ना। नहीं नहीं, किसी का घर तोड़िए मत जी। कि ना हमसे भंगिया पिसाइए गणेश के पापा, कि नहीं हर जात बानी भला कोमल हमरे भांग नहीं पीसिएगा। नहीं एकदम अब पीसने बोलेंगे तो कहाँ चल जाइएगा। नहीं हर, नहीं हर, नहीं हर में कहा हो, यही रहे के पर या भांग पीस के खिलावे वो सब नहीं होगा।